नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने चलाया था कि इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, आयोग, परिषद और अधिकरण। आयोग मतलब कि होता है कमीशन, परिषद मतलब कि काउंसिल और अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल्स। तो जितने भी आयोग, परिषद या अधिकरण हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो में हमने बता दिया था कि जो भी आयोग, परिषद या अधिकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था कि तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संवैधानिक, दूसरा होता है सांविधिक और तीसरा होता है संविधानेतर। ठीक है, संविधानेतर को गैर सांविधिक भी कहा जाता है। तो उसमें हमने बताया था कि बहुत सारे जो निकाय होते हैं वो कई प्रकार के, मतलब तीन प्रकार के होते हैं। तो जो पहला कैटेगरी था संवैधानिक निकाय, उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग एक क्या है, इसका संवैधानिक प्रावधान है। मतलब ये क्या है, यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान है, मतलब ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे क्या है, ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो वित्त आयोग का वर्णन या वित्त आयोग होगा, ऐसा वर्णन कहाँ पे है, ऐसा भारतीय संविधान में। संविधान का जो अनुच्छेद है 280 और 281, इन दोनों में ही वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देख लेंगे कि 280 281 में है क्या। तो अब अगला जो टॉपिक है इसी में है कि इसकी संरचना, मतलब स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा है कि उसमें कितने सदस्य होंगे, उनकी योग्यता क्या होगी, उनकी कार्य अवधि कितनी होगी, ये सब का जो डिसीजन है वो इसके हिसाब से किया जाता है। ठीक है, तो इसकी संरचना ऐसा है, इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा, और चार का होंगे अन्य सदस्य होंगे। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और चार क्या होंगे, अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, जो पहला वित्त आयोग है उसका गठन किया गया था 1951 में। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 280 है, अनुच्छेद 280 में ही बताया गया है कि वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होगा और चार अन्य सदस्य होंगे। और उसी में बताया गया है कि 282 में बताया गया है कि इसके लिए सदस्यों की योग्यता के लिए नियम बनाने की शक्ति, या उनको योग्यता के लिए या फिर उनको अयोग्य साबित करने के लिए जो नियम बनाने की शक्ति है वो कहाँ है, वो है भारतीय संसद के पास। ठीक है, तो योग्यता का निर्धारण करने के लिए संसद ने क्या किया, एक वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया, और इसमें उसने अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया और बताया कि कोई जिसको अध्यक्ष बनना है उसके लिए क्या क्या योग्यता होगी। ठीक है, तो जो अध्यक्ष है उसके लिए योग्यता इतना रखा गया है कि जो अध्यक्ष बनने वाला है वो सरकार की नज़र में या राष्ट्रपति की नज़र में क्या होना चाहिए, सार्वजनिक मामलों का ज्ञाता होना चाहिए, यानी कि सार्वजनिक मामले या लोक महत्व के जो मामले हैं उन सब में उसको विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए। उसके अलावा जो चार अन्य सदस्य हैं, चार अन्य सदस्यों के लिए प्रावधान किया गया है, जो अन्य सदस्य हैं वो कि इनमें हाई कोर्ट, ऐसी मतलब हाई कोर्ट का जस्टिस या न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, हो जरूरी नहीं है, लेकिन उनमें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो आगे चलकर क्या बन सके, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन सके, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश, कम से कम न्यायाधीश बन सके। इसके अलावा उन्हें प्रशासन और वित्तीय मामलों का ज्ञान हो, इसके अलावा अर्थशास्त्र के ज्ञाता हो। तो ये सभी योग्यता किनके लिए हैं, अन्य सदस्यों के लिए और अध्यक्ष के लिए। ठीक है, अयोग्यता जैसे कि कोई एक सदस्य है या कोई अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है, उसको उसमें क्या क्या अयोग्यताएं नहीं होनी चाहिए, मतलब जिनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो जो अयोग्यता वाली कैटेगरियाँ हैं उसमें ये लिखा गया है कि वो पागल ना हो, ठीक है, विकृत चित्त जो बोलते हैं, उसके अलावा दिवालिया, दिवालिया बोलने का ये मतलब है कि बैंक रप्ट ना हो, बैंक ने उसको दिवालिया घोषित ना किया हो, उसके अलावा अपराधी ना हो, उसके खिलाफ कोई भी गंभीर अपराध दर्ज ना हो, और उसके अलावा वो उसका कार्य या उसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी जो सदस्यता है वित्त आयोग के जो कार्य है उसको प्रभावित करे। मतलब ऐसा है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने कुछ ऐसा प्रावधान कर दिया जिस प्रावधान को करने से क्या हुआ, राज्य को नुकसान हो गया और उस पर्टिकुलर उस विशेष व्यक्ति को फायदा हो गया। तो उसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आयोग के कार्यों पर क्या हो, गलत प्रभाव पड़े। तो ये अयोग्यता हो गया। अब जो काम की बातें हैं, जो जनरली जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका वित्त आयोग के कार्य, वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के कार्य। तो वित्त आयोग का कार्य है कि केंद्र एवं राज्य, केंद्र मतलब कि संघ, ठीक है, रहने को संवैधानिक टर्म ऐसा है कि केंद्र नहीं लिखा जाता, वहाँ पे क्या लिखा जाता है, संघ लिखा जाता है। ये क्या है, संघ है,
और उसको बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं, केंद्र बोल देते हैं। ठीक है, तो संघ एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा। ठीक है, संघ एवं राज्य के मध्य करों का बंटवारा है। ठीक है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ है कि GST लागू हो गया है 2017 से। तो GST में क्या किया गया है, जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कर हैं, खासकर जो अप्रत्यक्ष कर है, उन सब की 3 कैटेगरी कर दी गई है। 3 कैटेगरी बोलने का यह मतलब है कि अब करों का जो संग्रहण है वो 3 रूप में होता है। ठीक है, एक होता है आपका CGST, दूसरा होता है IGST और तीसरा होता है SGST। तो इसमें ऐसा है कि जो सेंट्रल GST है और इंटर स्टेट GST है, IGST है, ये दोनों जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, यानी कि संघ के खाते में जाता है, संघ की संचित निधि में जाता है। और जो SGST है ये कहाँ जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो करों का बंटवारा बोलने का ये मतलब है कि CGST प्लस IGST, CGST और सेंट्रल GST और इंटर स्टेट GST से जितना भी धन मिलता है उसका बंटवारा कहाँ किया जाता है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य बंटवारा किया जाता है। तो वो बंटवारा किस अनुपात में होना चाहिए, इसका डिसीजन या इसकी सिफारिश क्या करता है, वित्त आयोग करता है। दूसरे अलावा कोई भी राज्य है उसको क्या करना है, अनुदान देना है। कोई भी राज्य है उसको अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान देना है संचित निधि से, तो उसकी सिफारिश भी कौन करता है, उसकी सिफारिश कौन करता है, वित्त आयोग करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति वित्तीय सुदृढ़, मतलब भारत को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए कोई भी और आदेश या कोई भी और सिफारिश या कोई भी और कार्य करने का निर्देश जो है राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन को दे सकता है। और यहीं पर बात आती है राज्य वित्त आयोग का। तो राज्य वित्त आयोग क्या करता है, राज्य वित्त आयोग राज्य और नगरीय निकाय या स्थानीय स्वशासन, राज्य एवं ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग क्या करता है, राज्य एवं नगरीय निकाय या पंचायती राज के मध्य करों का बंटवारा, मतलब राज्य को जितना भी धन मिला है CGST से और इस बंटवारे से, उस धन में से कितना परसेंट स्थानीय स्वशासन यानी नगरीय निकाय या पंचायती राज को दिया जाना चाहिए, इस बात की सिफारिश कौन करता है, इस बात की सिफारिश करता है राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये सब जो कार्य है, ये सब जो मामले हैं, जो प्रावधान है, उसके बाद वित्त आयोग का महत्व क्या है और वित्त आयोग की शक्तियाँ क्या हैं। तो ऐसा है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है। ठीक है, इसने ये क्या करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो राष्ट्र ये क्या करता है, अपना रिपोर्ट, वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसको सौंपती है, राष्ट्रपति को सौंपती है। फिर राष्ट्रपति क्या करता है, इसको संसद के दोनों सदनों में रखवाता है और उस पर आवश्यक बहस या आवश्यक चर्चा करवाता है, उसके बाद फिर उसको लागू किया जाता है। तो ये इसका खास महत्व है। ये जो है रिपोर्ट जो है किस अनुच्छेद 281 के तहत ये क्या करता है, अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। उसके अलावा ऐसा है कि वित्त आयोग की जो भी रिपोर्ट है या जो सिफारिशें हैं वो कंपलसरी नहीं है, सरकार पे एकदम बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, इसकी सिफारिशें क्या होती है, सलाहकारी प्रवृत्ति होती है, मतलब ये क्या करता है, गवर्नमेंट को सलाह देता है। एक्चुअल में होता है ऐसा है कि यहाँ पे बोला जाता है कि सलाहकारी है, लेकिन ऐसा होता है कि इसकी जो रिपोर्ट होता है उसको सामान्यतः गवर्नमेंट जो है मान लेती है। तो इसकी जो सिफारिशें हैं वो सलाहकारी प्रकृति का होता है। उसके अलावा ये जब कोई सिफारिश देता है कि मतलब गवर्नमेंट, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी जो कर है उसको किस अनुपात में बांटा जाए, तो उसके पीछे ये अपना रिपोर्ट भी देता है या उसके पीछे अपना ज्ञापन भी बताता है कि क्यों ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि उसको अच्छे से लागू किया जा सके या फिर उस रिपोर्ट में थोड़ा सा बैकग्राउंड भी रहे। ठीक है, उसके अलावा वित्त आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं, सिविल कोर्ट यानी कि सिविल न्यायालय। ठीक है, इसके तहत इसको कुछ विशेष शक्तियाँ अलग से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत मिला हुआ है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1908 का जो संशोधन अमेंडमेंट है उसके तहत इसको क्या किया गया है, सिविल कोड की शक्तियाँ प्रदान की गई। तो इसको ऐसा है कि वित्त आयोग किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, समन जारी कर सकता है। समन जारी करने का यह मतलब है कि वह उसको वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बोल सकता है, उसके अलावा उनको उपस्थित होने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ये ऐसा भी कर सकता है कि कोई जो रिपोर्ट है या कोई दस्तावेज है उसको ये वित्त आयोग अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बोल सकता है। इसके अलावा कोई कार्यालय है या न्यायालय है, न्यायालय मतलब कि कोर्ट है, उसको भी ये बोल सकता है कि जो अभिलेख है
उसको सामने में या फिर अपने समक्ष मंगा सकता है। इसकी शक्ति भी इसको सिविल कोड के तहत दी गई है। सिविल कोड के तहत एक प्रावधान ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति वित्त आयोग की समान का सम्मान नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार भी वित्त आयोग को दिया गया है। ठीक है, तो वित्त आयोग जो है, पहला वित्त आयोग की स्थापना की गई थी 1951 में, प्रथम वित्त आयोग, प्रथम वित्त आयोग जो है 1951 में स्थापित किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे के सी नियोगी। और इन्होंने जो 1951 में जो रिपोर्ट दिया था उस रिपोर्ट को कब से कब तक चलाया गया था, 1952 से 57 तक इसकी रिपोर्ट जो है वो कार्य में रही। वर्तमान में जो है 15वां वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो काम कर रही है। तो इसकी नियुक्ति हुई थी 2017 में, ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे एन के सिंह। और इनका जो रिपोर्ट है 2020 से 2025 तक, ठीक है। वर्तमान का जो वित्त आयोग है वो 15वां वित्त आयोग है, जिसकी नियुक्ति कब की गई थी, 2017 में की गई थी। और जो रिपोर्ट इन्होंने सौंपी 2020 के लगभग, उस रिपोर्ट को 2020 से 25 तक चलाया जाएगा। वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो रिपोर्ट है उसका जो कार्यकाल है एक वर्ष बढ़ा दिया गया है। मतलब वर्तमान में ऐसा है कि ये 2026 तक कार्य करेगी, ठीक है। तो 15वें वित्त आयोग ने ये सिफारिश किया है कि जो केंद्र और राज्य के मध्य जो करों का बंटवारा है उसका अनुपात कितना होना चाहिए, मतलब उस सेंट्रल जीएसटी और इंटरस्टेट जीएसटी से जितना भी कर प्राप्त होता है उसका 42% राज्य को मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब सीजीएसटी और आईजीएसटी से जितना भी कर संग्रहण हो रहा है उसका 42% राज्यों को मिलना चाहिए। इसमें बस एक सुधार किया गया है कि 2019 में क्या किया गया, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त किया गया 2019 में। इसलिए इसने ऐसा सिफारिश किया कि 2020 से 2021 के दौरान, मतलब कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद, जो करों के जो परसेंटेज है वो 42 से घटकर कितना हो गया है, 41% है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना भी सीजीएसटी और आईजीएसटी से टैक्स मिलेगा उसका 41% क्या किया जाएगा, 28 राज्यों के बीच में बांट दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो वित्त आयोग है या फाइनेंस कमीशन जो एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक आयोग है, वो समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम जो अन्य जो संवैधानिक आयोग हैं जैसे यूपीएससी हो गया उसके बारे में देखेंगे।